मधुमक्खी के डंक कितना दर्दनाक होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं मधुमक्खी जब इंसान या किसी दूसरे मैमल को डंक मारती है तब उसके तुरंत बाद इसकी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आइए जानते हैं। दरअसल इसके लिए इनके स्टिंगर जिम्मेदार है। जब एक मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तब उसकी स्टिंगर उस इंसान के डीप स्किन में घुसा देती है और वहाँ वेनम रिलीज कर देती है जिससे हमें बहुत पेन होता है। लेकिन उस दौरान उसकी स्टिंगर उस इंसान के स्किन में फंस के रह जाती है क्योंकि इनके स्टिंगर में कांटेदार डिजाइन होती है, इसलिए जब ये खुद से निकालने के लिए फोर्स करती है तब उसके स्टिंगर के साथ बॉडी का कुछ हिस्सा इंसान के स्किन में टूट के रह जाता है जिसमें मसल्स, नर्व और डाइजेस्टिव ट्रैक जुड़ी हुई होती है और इन वाइटल बॉडी पार्ट्स के बिना तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए किसी मैमल्स को जब ये डंक मारती है तब इनकी मौत हो जाती है।